तो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एक पोर्टफोलियो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं दैट विल बी लुकिंग एग्जैक्टली लाइक दिस एज यू कैन सी राइट हियर। तो ये कुछ ऐसा यू नो स्लाइडिंग काइंड का है। देखो इसमें स्पेशलाइजेशन लिखी है कि स्पेशलाइजेशन क्या क्या है। देन यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट में ग्रेडियंट लगा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर ये हो गया मेरा नेम एंड ऑल। फिर ये अपना एक अबाउट सेक्शन हो गया जिसमें लिखा है हायर मी एंड सारे हमारे जितने भी प्रोफाइल्स होते हैं ना लिंक्डइन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड ऑल ये मेंशन किया गया है। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बने हैं या ऐड अप करें या तुम और भी यहाँ पर ऐड अप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में बनाने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई ओपन अप वीएस कोड फाइल। वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। वीएस कोड ओपन कर लिया, मेरे को अपना फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा यार। फोल्डर कॉलेज में फ्लटर में नहीं, एक्चुअली फ्लटर प्रोजेक्ट्स में आए एंड ये हमारा फ्लटर। एक्चुअली कैलकुलेटर नहीं खोलना था, फ्लटर प्रोजेक्ट्स पर ऑन करना था। तो ये फ्लटर प्रोजेक्ट्स मैंने ओपन कर दिया है। फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर ही आई गेस कैलकुलेटर खुल रहा है ना, कोई बात नहीं। हम जाएंगे टर्मिनल में एंड यहाँ टर्मिनल में आने के बाद आई होप आप सबको स्क्रीन क्लियरली विजिबल होगी, राइट। हाँ ठीक है, सबको दिख रहा है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्लटर क्रिएट पोर्टफोलियो ऐप, ठीक है। फ्लटर क्रिएट पोर्टफोलियो ऐप मैंने एंटर करा एंड जैसे ही मैंने एंटर करा यहाँ पर ये हमारा एक यू नो पोर्टफोलियो ऐप हमारा क्रिएट कर देगा। देखो ये लिख रहा है पबगेट ने हमारा पोर्टफोलियो ऐप यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो एज सुन एज हमारा ऐप यहाँ पर क्रिएट हुआ मैं जाऊंगा एंड ये जो मेरा ऐप क्रिएटेड है उसके फोल्डर में जाके चला जाऊंगा। कहाँ है हमारा पोर्टफोलियो, एनीबॉडी सी इट, पोर्टफोलियो ऐप, पोर्टफोलियो के अंदर आ गए अपन, ठीक है यहाँ पर। तो ये कहाँ है हमारी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर मेन डॉट डॉट, ये हमारा यहाँ पर हमको सारा कोड करना है, ठीक है। तो इसको हटा दिया। अब आज की वीडियो में हम बेसिकली यू नो दो फाइल्स यूज करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है जो हमको चाहिए है तो हमको जाना है pubdev.dev में, ठीक है। pubdev में जाने के बाद हमको यहाँ पर कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट थिंग इज स्लाइडर शीट दिख रहा है, स्लाइडर शीट। एंड इसको हम एंटर करेंगे यहाँ पे तो स्लाइडर शीट देखो यहाँ आ गया सबसे ऊपर है। इसमें जाऊंगा, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है। और जो मेरा वीएस कोड है, वीएस कोड में आने के बाद ये अपना है ना pubspec.yaml, yaml में यहाँ पे डिपेंडेंसीज देखी है, डिपेंडेंसीज में कुपरटिनो आइकन्स के जस्ट नीचे इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड सिमिलरली ऐसा ही एक और चीज मैं यहाँ पर लिखूंगा, उसका नाम है ऑसम फ्लटर आइकन्स। एक्चुअली ये फ्लटर के आइकन्स अभी जो हमने इंस्टाग्राम वगैरह यूज किया वो सब फ्लटर के आइकन्स में हमको मिल जाएंगे, तो हमको स्पेशली कुछ चीज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे कि जो भी हमारी डिपेंडेंसीज उसको डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। एंड डाउनलोड करने के बाद वो उसको लगा लेगा। तो अब मेन डॉट डार्ट में आते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, हमारी एक यू नो बेसिक बॉयलर प्लेट लिखनी है, दैट इज इम्पोर्ट पैकेज फ्लटर material.dart, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और चीज लिखेंगे void main लिखा, void main लिखने के बाद run app लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा material app लिखने के बाद यहाँ पर थीम में कुछ भी लिख सकते हो, बट हमको यहाँ पर अभी थीम नहीं लेना, ठीक है। आई एम नॉट इन टू थीम राइट नाउ, मुझे थीम यूज करने का भी वो नहीं है। तो क्या करूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा debug show check mode banner false, क्योंकि मुझे वो debug सा जो लिख के आता है वो मुझे नहीं चाहिए। देन यहाँ पे मैं ऐड अप कर दूंगा रूट्स मीन्स रीराउट करते ना जैसे अपन, तो अपनी क्या है सबसे पहली फाइल होने वाली है होम, ठीक है। तो होम के लिए मैं क्या करूंगा कंटेक्स्ट एंड माय होम, ठीक है। एंड एक सिमिलरली यहाँ पर एक और चीज कर दूंगा ऐड अप, दैट इज अबाउट, ठीक है। अबाउट में क्या लिख दूंगा अबाउट, ठीक है, सिंपल अबाउट, ठीक है। ये हो गई हमारी दो फाइल्स यहाँ पे रेडी। एंड यहाँ पे क्या करना है, इधर पे एक और चीज कर दूंगा मैं, दैट इज इनिशियल रूट क्या होगा हमारा होम, मतलब जैसे हमारा पेज जब लॉन्च होता है हमारा इनिशियल रूट होना चाहिए होम एंड देन वहां से हम इसको रीराउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हम बनाएंगे एक फाइल में कौन सी बनाऊंगा होम, तो यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा, फाइल का नाम मैं क्या रखूंगा, फाइल का नाम आई कीप इट एज home.dart, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर home.dart, ठीक है, home.dart के अंदर यहाँ पर हमको लाइक मेजोरिटी का जो हमारा कोड है वो यहीं पे आएगा, बेसिक तो हम लिख लेते हैं पैकेज लटर material.dart, ठीक है, material.dart लिखा। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा स्टेटफुल विजिट यहाँ पे, तो स्टेटफुल विजिट लिखा, क्लास माई विजिट एक्सटेंड स्टेटफुल विजिट, फिर यहाँ पे कॉन्स सुपर की वगैरह लगी हुई है। एंड यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको चेंज कर के मैं क्या कर दूंगा माई होम, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर दूंगा, तो देखो ये माई होम तो हमारा सही हो गया, राइट। फंक्शन अबाउट हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर बना देता हूँ एक फाइल, या फिर एक काम करो अभी अबाउट सेक्शन रहने दो क्योंकि अभी हम इसी में काम कर रहे हैं ना, तो इधर ही हम इस पे काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा
इतना पूरा पार्ट। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पर दो, देखो बेसिकली एक बात बताता हूँ, दो फंक्शन यहाँ पर हमको जनरेट करने हैं, ठीक है। तो दो फंक्शन के लिए सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ क्या करूंगा, रिटर्न क्या करवाऊंगा, स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड रिटर्न कराऊंगा। स्कैफोल्ड के बाद यहाँ पर आएगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या आ जाएगा, कलर कलर डॉट फ्रॉम ए आर जी बी, एंड इसका क्या कर दूंगा 168। एक्चुअली कलर्स मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि ये कलर ऐसा हो गया, देखो ये वाला पूरा डार्क, ठीक है 168 हमारा कलर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर, आई थिंक सो मैं दिख रहा हूँ राइट। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ऐप बार, ऐप बार का क्या आ जाएगा मेरा ऐप बार, बड़ा सा ऐप बार लिखने के बाद, ऐप बार लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा जल्दी से, आई विल राइट लीडिंग, लीडिंग लिखने के बाद क्या लिखूंगा, काम करो उसको अभी छोड़ के। वैसे तो मैं यहाँ पे बेसिकली पॉपअप बटन ऐड कर रहा था, बट ठीक है, पॉपअप मेन्यू बटन, ठीक है, हम यहाँ पर मेन्यू बना रहे हैं। एंड मेन्यू में क्या लिखूंगा, आइकन, जो हमारे ऊपर अभी देख रहे थे ना फ्लटर में आइकन देख रहा था जिसमें सेटिंग्स एंड बाकी सारी चीजें लिखी थी, हम वो आइकन से यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। सो आइकन्स डॉट मेन्यू, ठीक है, आइकन्स डॉट मेन्यू हो गया यहाँ पे, पॉपअप मेन्यू बटन के अंदर यहाँ पर आ गया आइकन्स डॉट मेन्यू। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमको, राइट आफ्टर दिस मैं यहाँ लिखूंगा कलर, तो हो जाएगा क्या, कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है, कलर्स डॉट ब्लैक हो गया। उसके बाद यहाँ आएगा आइटम बिल्डर, आइटम बिल्डर में हमारा मेन चीजें आएंगी, ठीक है। तो आइटम बिल्डर में मैं यहाँ क्या ऐड कर दूंगा, कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट के बाद यहाँ पे पॉपअप मेन्यू आइटम्स, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेसिकली, देखो एक तो हमने बना दिया, साइड में आ जाएगा अपना टेक्स्ट बटन, ठीक है, टेक्स्ट बटन बना लो इसको, एक्चुअली थोड़ा सा लंबा उस साइड जा रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट बटन, इसके बाद इसके अंदर क्या आएगा, चाइल्ड, तो चाइल्ड के अंदर आ जाएगा क्या अपना टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर क्या आएगा अपना प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, एक और चीज आएगी, राइट आफ्टर दिस प्रोजेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, ऑन टैप या ऑन प्रेस्ड, जो कि एक बटन की यू नो प्रॉपर्टी होती है ना, ऑन प्रेस्ड, ऑन प्रेस्ड में अभी क्या मैं इधर एम्प्टी चीजें छोड़ दूंगा, ठीक है, ये क्या हुआ क्या इसको, ओके यहाँ पर, तो यहाँ से हटाओ एंड ऑन प्रेस को अभी यहाँ से रिमूव कर दो, एक्चुअली तो थोड़ा इजी यू नो समझ में आएगा कि हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये पे पॉपअप, ठीक है पॉपअप लिखा, इसको ऐसे ही रहने दो एक्चुअली। एंड पॉपअप लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कंटेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, बट अभी हमने ऐसा नहीं करा है तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। Now what it says here, यहाँ पे क्या करना है हमको, पता नहीं क्यों रेड मार्क क्यों यहाँ पे जेनरेट कर रहा है, लेट मी चेक, ओके यहाँ पर इसको इसके अंदर करो, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको सॉरी इसको बंद करूंगा, ठीक है, सही हो गया, यहाँ पे आया ये, एंड यहाँ पर आने के बाद राइट एग्जैक्टली चाहिए कॉमा एक्स्ट्रा आ रहा था, ठीक है, एक्सपेक्टेड डॉट यहाँ पे नहीं एक्चुअली यहाँ पे आएगा, ठीक है, अब सही हो गया। अब इसको क्या करो यार, फॉर्मेट करो तो थोड़ा सा सही से हमको समझ में आने लगेगा कि क्या हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक पॉपअप मेन्यू आइटम दिख रहा है, मेन्यू आइटम क्या है, टेक्स्ट है, प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर भी यार एक स्टाइल फॉर्म होगा, ठीक है, लाइक इसको भी मुझको स्टाइल करना है, तो आई विल राइट व्हाट, यहाँ पे कॉमा लगा के स्टाइल, स्टाइल के अंदर टेक्स्ट स्टाइल फॉर्म, ठीक है, यहाँ टेक्स्ट स्टाइल लिखूंगा, एंड उसके अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा कलर, कलर के बाद आ जाएगा अपना कलर्स डॉट वाइट, ठीक है, एंड ये जो भी यहाँ पे ब्लू रीडिंग वगैरह आ रही है ना इसको यहाँ पे कर दो, ठीक है, एंड इसको हमने क्या करा, फॉर्मेट करा तो ये सही से दिखने लगा। तो ये हो गया हमारा एक पॉपअप आइटम, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये है मेन्यू पॉपअप बटन, एंड ये रहा हमारा आइटम, ठीक है, तो करा कॉपी यहाँ से, एंड इसको बंद करने के बाद यहाँ पर एक और हमने पूरा पेस्ट कर दिया, ठीक है, दिख रहा है, पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पर इसको, एंड ये देखो यह क्या हुआ, दूसरा पॉपअप आ गया, पॉपअप क्या है अपना यहाँ पर, ये प्रोजेक्ट्स की जगह हो जाएगा यहाँ पर मेन, या बोले तो अबाउट, ठीक है, अबाउट आ गया यहाँ पे हमारा,
एंड ये हो गया अपना क्या, इतना सेक्शन हमारा डन है। अब क्या करना है, हमको आना है बॉडी में, जो मेन अपनी बॉडी है ना यहाँ पर, अब बार के जस्ट बाद, अब बार के जस्ट बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉडी, एंड बॉडी के अंदर क्या लिखूंगा मैं, कंटेनर, एंड कंटेनर के अंदर यहाँ से हम शुरू हो जाएंगे पूरा अपना यू नो डेकोरेशन वगैरह करने का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं लीनियर ग्रेडियंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट यूज करा क्योंकि उससे ग्रेडियंट टाइप का जनरेट हो जाएगा, ठीक है, एंड दैट विल लुक रियली कूल, यू नो, बॉर्डर डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन करा, बॉक्स डेकोरेशन के बाद यहाँ पे करा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के बाद यहाँ पे लिखा मैंने लीनियर ग्रेडियंट, एंड लीनियर ग्रेडियंट में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एक एक बिगिन, तो बिगिन क्या होगा, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डॉट टॉप राइट, अलाइनमेंट डॉट टॉप राइट हो गया अपना, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेक्शन आएगा एंड का, एंड का क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डॉट बॉटम लेफ्ट, ठीक है, मतलब टॉप के राइट से बॉटम के लेफ्ट तक अपना एक ग्रेडियंट यहाँ पे जनरेट होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेडियंट। एंड अब क्या करना है, यहाँ पर अपने को कलर्स देखने, क्योंकि जो तुम कलर्स देना चाहते हो वो भी तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ना, तो कलर्स के लिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दो कलर्स लिए हैं, ठीक है, पहला कलर है ये वाला, एक्चुअली कलर की मेरे पास वैल्यूज है, तो यू नो वट, आप ये वैल्यूज यहाँ पे ऐसे देख के लिख सकते हो, ठीक है, वॉट हैपन टू दिस, ये यहाँ पर ये ऐसी ब्लू लाइन क्यों दे रहा है, कौन सा मॉडिफायर, पूरी फाइल भी हटवा दो, ठीक है, फॉर्मेट कर दिया डॉक्यूमेंट को, तो ये देखो ये हमारी पूरी फाइल, देखो ये RGB क्या, कौन सा कलर है, अराउंड ग्रे सा कलर है, ठीक है, ऐसे करके हमने यहाँ पर दो कलर बना दिए, ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा इतना। अब इस कंटेनर के बाद इधर पे मैं लिखूंगा चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर यहाँ पर क्या आएगा, अपनी स्लाइडिंग शीट, ठीक है, स्लाइडिंग, एक्चुअली स्लाइडिंग शीट इधर ऐसे नहीं आएगी क्योंकि मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं करी है, ठीक है, तो मैं इम्पोर्ट करूंगा यहाँ पे क्या, फ्लटर पैकेज, प्लैकेट से आएगा यहाँ पर स्लाइडिंग शीट, एंड स्लाइडिंग शीट से आ जाएगा स्लाइडिंग शीट डॉट डॉट, ठीक है, स्लाइडिंग शीट से क्या होगा, एक स्लाइड करने वाली शीट जैसे अपना इससे जनरेट हो जाएगा, ठीक है, तो स्लाइडिंग शीट, स्लाइडिंग शीट के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, कलर, कलर के अंदर यहाँ पे आ जाएगा अपना कलर्स डॉट वाइट, कलर्स डॉट वाइट आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा, एलिवेशन, एलिवेशन आएगा अपना कितने का, अराउंड समझ लो, दिखाता हूँ अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एलिवेशन का मतलब 8 का, एंड बॉर्डर रेडियस या बोले तो कॉर्नर रेडियस, इससे क्या होगा अपने कॉर्नर में कर्व आ जाएगा, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ना मैं टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पर रन करूँ, ठीक है, एंड आई थिंक सो इट्स गोना टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, ये थोड़ा सा अभी अपना ऑलरेडी प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा था, राइट, तो इसको बंद करके दोबारा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में इसको थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया अपना टाइम। तब तक अपन क्या करते हैं, ये ना कुछ प्री डिफाइंड यहाँ पे वेरिएबल्स टाइप के मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर राइट हियर मैं क्या करूंगा, कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगा, जैसे कि एक अपना, क्योंकि यहाँ पर अगर इसमें देखोगे कहाँ गया, इसमें तो यहाँ पे जगह जगह ग्रेडियंट है, देख रहा है, ग्रीन नाम ग्रेडियंट है, इसमें ग्रेडियंट है, इसमें ग्रेडियंट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे तीन ग्रेडियंट की एक यू नो कॉन्स्टेंट फाइल्स टाइप की बना लेंगे, एंड देन हम उसको बार 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 यूज करते रहेंगे, ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा फाइनल, फाइनल के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा शेडर, फाइनल शेडर, उसके बाद मैंने यहाँ क्या लिखा, यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट को लीनियर ग्रेडियंट, या इसको ऐसे कर लो हेडर ग्रेडियंट, हेडर ग्रेडियंट इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू अपना लीनियर जो ग्रेडियंट होता है ना ओरिजिनल वाला, वो अपना लीनियर ग्रेडियंट आ गया यहाँ पे, एंड इसके कलर्स के अंदर, कलर्स के अंदर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कलर्स के अंदर मैं यहाँ लिखूंगा कलर, एक्चुअली कलर, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा कुछ चीजें, जैसे कलर डॉट फ्रॉम ARGB, ARGB की वैल्यू कुछ ऐसी है लाइक ये 255, एक्चुअली इसको तुम ग्राफ से भी निकाल सकते हो, ठीक है, लाइक जो आता है ना अपना पूरा, एंड डी के बोल 225, जैसे ये आया देखो अपन ने डाली, इधर से भी तुम चेंज कर सकते हो, अभी क्या ये, अब मुझे इसकी एग्जैक्ट नेम नहीं पता था तो मैंने वैल्यू निकाल दी ऐसे करके, ठीक है, तो ये तो हो गया अपना क्या एक कलर, एंड सिमिलरली एक और कलर अपन ने यूज किया यहाँ पर, दैट इज व्हाट, दैट इज दिस वन, ठीक है, ये ग्रीनिश कलर है, दिख रहा है ग्रीन के बीच का कहीं का कलर है, ठीक है ना, अब क्या है इसमें हमको और चीज एक ऐड करनी पड़ेगी, कि ये कलर हुआ, कलर होने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट शेडर, ठीक है, मतलब हम इसका एक शेड बना रहे हैं, एंड दैट मीन्स rect.html, sorry, rect.from
LTWH, आई गेस हाँ LTWH यूज करूंगा, LTWH यूज करूंगा। ये क्या है, ये बेसिकली यू नो एक तरह की थोड़ी सी शेडो टाइप की बना देगा, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो ये क्या रहेगा अपना जीरो, ये रहेगा अपना जीरो, विथ क्या रहेगी अपनी, विथ रहेगी अपनी 200.0, एंड जो हाइट है अपनी वो भी रहेगी क्या अपनी 70.0, ठीक है। एंड यहाँ पर सेमी कॉलन आ जाएगा, सेमी कॉलन ऐड करूंगा मैं यहाँ पे, एंड इट्स डन, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, ये एक ग्रेडियंट अपना बना है, फॉर्मेट कर दिया, तो ये देखो ये अपनी फाइल आ गई है। अब सिमिलरली इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट करो, आओ कॉपी करा, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐसा एक और ग्रेडियंट जनरेट करो, ठीक है, या एक और हेडर की जगह इस बार क्या हो जाएगा, इसका नेम चेंज करके हो जाएगा हाईलाइट, हाईलाइट ग्रेडियंट, ठीक है। एंड हाईलाइट ग्रेडियंट की क्या है, वैल्यूज मैं थोड़ी सी बदल दूंगा, हाईलाइट ग्रेडियंट की वैल्यू ग्रीन से, ग्रीन से हटा के ये कंट्री, ठीक है। लाइक ये देखो ये वाला कलर है ग्रीन का एंड ये येलोइश, तो थोड़े थोड़े बेसिक बेसिक चेंज करें, ठीक है ना। एंड सिमिलरली यहाँ पर एक और ग्रेडियंट मैं जनरेट करूंगा, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, बार बार हमको यार इतना बड़ा बड़ा कोड ना लिखना पड़े, लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो इसका मैं नाम लिखूंगा ओवरऑल टेक्स्ट ग्रेडियंट, ठीक है। ये हो गया क्या अपना ओवरऑल टेक्स्ट ग्रेडियंट। एंड इसका क्या कंटेंट रहेगा, इसका कलर बहुत सारे हैं एक्चुअली, वेट लेट मी चेक, यहाँ पे कलर वो सारे जितने भी हैं, ठीक है, बहुत सारे कलर हैं एक्चुअली। ये मैंने पूरा एक नो रेनबो टाइप का वो बनाया है, क्या बोल रहा है ये, ठीक है। अब ये हो गया पूरा, मैंने यहाँ क्या करा कलर्स वगैरह कॉपी कर लिया, आई गेस हमारी फाइल रन हो गई होगी, नहीं हुई है, क्या बोल रहा है, कस्टम बिल्डर नल इट्स नॉट टू, ओके। यहाँ पे शीट तो बना दी है, कहाँ गया हमारा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो बेसिक कोड बना हुआ है ना, ये दिख रहा है ये वाला, अपन एक काम करते हैं इसी पूरे कोड को उठा लेते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिक बॉयलर कोड अपने को दे ही रहा है बना बनाया, तो अपन काय को यू नो पूरा कोड वापस से लिखें एंड बार बार देखें। वही वो बोल रहा था कि अपन ने आई गेस कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज यहाँ पे नहीं लिखी होंगी, तो क्या करना है, सिंपल एक काम करो, अपन क्या करते हैं यहाँ पे ना जो अपना कंटेंट है इधर से स्कैफोल्ड से ना कॉपी किया है मैंने, है इसको यहाँ तक, ठीक है, कर दो इसको यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया अपना पेस्ट एंड ऑल, यहाँ पर एक रिटर्न और आ गया है आई थिंक सो, ठीक है। तो ये इतना सेक्शन था, अब इसको एक काम करते हैं इसी को रन करके देख ले रहे, रीलोड करो, देखो चल जाएगा, अब चल जाएगा, देखा ये है अपना सैम्पल टेक्स्ट, ठीक है। ये था जो मैं बनाने का बोल रहा था ना, ये पूरा सेक्शन है। तो अपने को क्या करना है, अभी इसी में चेंजेस करना है, तो अभी इतना तो अपन ने कर ही लिया था, राइट। तो मैं क्या करूंगा, जितना सेक्शन अपन ने अभी लिख लिया था उतना ही सेक्शन वापस यहाँ पे ऐड अप कर दूंगा, ठीक है। पोजीशनिंग, पोजीशनिंग ठीक है, यहाँ पे ऐप बार के अंदर जो अपना ऐप बार है ना, इसमें इतना सेक्शन कट करो और इतने को पेस्ट कर दो, ठीक है। ये हो गया अपना इतना सेक्शन रेडी, एंड ये क्या बोल रहा है, ओके यहाँ पर कुछ इट इज डिमांडिंग फॉर क्लोजिंग टाइप, ठीक है, आई थिंक सो ये सही है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, अपन ने जो कोड अभी तक लिखा था ना, ये वही कोड है, एंड यहाँ पर इसको यहाँ से हटा, ठीक है। ज्यादा कुछ भी नहीं किया, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, अपन ने सिंपल क्या किया, यहाँ पर ये जो कोड था, ठीक है, ये जो पूरा था सेक्शन था, इसको उठाया, इसको उठाने के बाद जो अपन ने चीजें बनाई, जैसे अपन ने यहाँ पर एक पॉपअप मेन्यू बटन, पॉपअप मेन्यू आइटम जो भी बनाया है वो अपन ने यहाँ पर लिख दिया है अच्छे से, ठीक है। ये हो गया अपना इतना सेक्शन था। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर और चीजें ऐड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो बॉडी है अपनी, जिसमें बॉडी में देखा स्टाइल शीट वगैरह ऐड अप है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नहीं कुछ करूंगा इतना अभी चेंज, ठीक है। ये जो अपना है सेक्शन यहाँ पे, ये बॉडी जो खत्म हुआ है यहाँ पे, वहां से मैं इसको स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करता हूँ, वेयर इज माय स्लाइडिंग शीट, तो स्लाइडिंग शीट को मैं क्या कर दूंगा, रैप करूंगा किससे, कंटेनर से, जो कि मैंने अभी किया था, कंटेनर से रैप करूंगा, किधर है कंटेनर, कंटेनर से रैप करने के बाद जो अपन ने यहाँ पर यू नो डेकोरेशन यूज करी थी ना, ये सिर्फ इसलिए करी थी ताकि अपना ये जो है ये सही से दिखने लगे, वो कर दूंगा, ठीक है। अपन ने क्या किया, डेकोरेशन जो अभी अपन ने बनाई थी दो कलर की यूज करके, वो हमने यहाँ पर डाल दी है, ठीक है, देखो ठीक है, पूरा ब्लैक हो गया है पीछे का, एंड ये कर्व्स भी अपने देखो प्रॉपर दिख रहे हैं,
ये क्या हुआ है, कंटेनर है, कंटेनर का कलर पूरा ब्लैक कर दिया एंड उसके अंदर एक स्लाइडिंग शीट हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दी है। ठीक है, समझ में आ गया इतना सेक्शन। अब क्या करना है, यहाँ पर एक और चीज आई हैव टू चेक कि यार मैंने करी कि नहीं करी, दैट इज व्हाट कि जो अपना यहाँ पर ब्लू किधर है, किधर है, कलर कहाँ गया, बैकग्राउंड कलर डॉट ट्रांसपेरेंट एंड यहाँ पे स्कैफोल्ड जहाँ पे हमने रिटर्न किया है राइट आफ्टर दिस, ये क्या बोल रहा है, ये कोड दे रहा है अपने को ऐसा, स्कैफोल्ड के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्सटेंड बॉडी बिहाइंड एप बार दैट इज ट्रू। ठीक है, ये जैसे ही मैंने किया एंड नाउ इफ आई डू व्हाट, इफ आई रीलोडेड आई थिंक सो, देखो ये गायब हो गया, देखा अपना जो बॉडी था वो एप बार के भी ऊपर चली गई। ठीक है, एंड ये हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखने लगे हैं। अभी तो अपन ने उसमें ज्यादा कुछ वो बेसिक सा सेटअप करा, उसमें कुछ चेंज वगैरह नहीं करा है, इतना सेक्शन तो अभी अपना हो गया है। ठीक है, एंड हमको अब क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे ये चीज देखनी है, व्हाट इज दैट, यहाँ पे देखो कोड। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहली चीज तो यार एक इमेज वगैरह अटैच करनी थी। ठीक है, इमेज वगैरह अटैच करनी थी तो क्या करते हैं, फटाक से हम ना यहाँ पर इमेज लगाते हैं। तो बॉडी के अंदर आने के बाद ये जो अपना टेक्स्ट है कंटेनर, मतलब ये जो सेंटर है इसको हटाओ, ठीक है, से हटाओ, बिल्डर बिल्डर निकालो एंड यहाँ पे इसको हटाने के बाद सेंटर सेंटर कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, कंटेनर अपना किधर है, कौन सा कंटेनर की बात हो रही है, यहाँ पे टू बी प्रिसाइज ये वाला कंटेनर खत्म हो चाहिए, यहाँ ये वाला स्लाइडिंग शीट यहाँ तक आपको करना पड़ेगा राइट। एक काम करे यार, पूरे इतने सेक्शन को हटाओ एंड व्हाट वी विल डू हियर इज कि हम टू फाइंड क्या एक पैकेट चाहिए लोग को राइट, इसका स्लाइडिंग शीट का चाहिए, ये क्या अपना चाइल्ड देखो हटा, ये क्या अपना रिटर्न अपने को हटाओ, यानी ये क्या अपना। ठीक है, आई होप आप सबको दिख रहा हो रहे, तो अब क्या करूंगा मैं बॉडी बॉडी लिखूंगा, बॉडी ऊपर लिखी हुई ऑलरेडी, तो बॉडी लिखने के बाद यहाँ पे क्या करूंगा, बॉडी के अंदर हम कुछ कोड करेंगे, तो लाइक व्हाट एक कंटेनर बनाता हूँ। ठीक है, कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर व्हाट आई डू हियर इज आई राइट चाइल्ड, चाइल्ड के ऊपर मैं क्या दूंगा स्टैक, यहाँ पे मैं एक स्टैक बना रहा हूँ। ठीक है, स्टैक बना रहा हूँ, स्टैक जिसका क्या होगा अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट तो अभी हम इसका सेट कर देंगे, बट स्टैक में एक चीज में सबसे पहली चीज एडअप करना चाहूंगा दैट इज व्हाट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर क्या आएगा अपना एक कंटेनर, कंटेनर कंटेनर के अंदर आएगा अपना मार्जिन। ठीक है, मार्जिन दे दिया, तो एज इनसेट्स क्या करूंगा डॉट ऑल, ऑल करने के बाद हम इसको मार्जिन दे देंगे अराउंड 40 की। ठीक है, 40 की आपने क्या करा, यहाँ पे मार्जिन दिया पूरे कंटेनर में। ठीक है, क्या करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर देखोगे तो ओके यहाँ से क्या आई गेस आ गया है इश्यू, फील्डेशन बिल्डर इक्वल्स टू नल, कस्टम बिल्डर नल इज नॉट ट्रू, कस्टम बिल्डर जो अपने आई गेस बनाया है उसको मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसमें मेरे को चीजें वगैरह ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आया एंड यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे इसको चलाने के लिए हमको ये इतना सेक्शन लिखा रहने देना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इट सेज दिस टाइप ऑफ विजेट, ठीक है, ये कंटेनर हो गया अपना, क्या था कंटेनर हो गया जिसकी हाइट कितनी है 500। ठीक है, तो इस कंटेनर का ये पूरा सेक्शन क्या है, ये जो कंटेनर है, ठीक, दिस इज व्हाट, ये हमारा कंटेनर जो है ये इसलिए यूज हो रहा है, ये जो हमारी ये शीट है यहाँ पे देखो, इसको मैं एक मिनट रीलोड कर दूं, अब दिख रही होगी ये शीट जो है हमारी, ये वाली इसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो ये शीट के अंदर का ये पार्ट है। ठीक है, अभी क्या करते हैं यार, ये बोल रहा है कि तुम शीट हटाओगे तो तुम्हारा कोड एरर थ्रो करेगा, तो शीट पहले क्या करते हैं, जो शीट के अंदर की जो चीजें है ना अपन उस पर काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो है अपना कंटेनर, इसकी हाइट क्या है 500, अब इसको क्या दे दो मार्जिन दे दो, मार्जिन कितनी दे दूंगा मैं पूरी एज से दे देता हूँ, एज एज इनसेट्स डॉट ऑल, ठीक है, डॉट क्या डॉट ऑल करो, ऑल करने के बाद यहाँ पे वैल्यू कितनी दूंगा मैं
ये काम करो, पता ओनली कर दो, ओनली से क्या होगा, बॉटम में नहीं आएगी क्योंकि अपने को बॉटम में नहीं देनी है। तो लेफ्ट में दूंगा मैं 20 एंड राइट में दूंगा 20 एंड जो टॉप में है टॉप में दे दूंगा 30 की, थोड़ा सा गैप होना चाहिए राइट ऊपर से, तो टॉप में हो गई अपनी 30 की मार्जिन। अब क्या करूंगा, यहाँ पे आएगा चाइल्ड, चाइल्ड के बाद यहाँ पे क्या आएगा अपना कॉलम, कॉलम के अंदर, कॉलम के अंदर आएगा क्या अपना क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वो भी अपन देख लेंगे। काम करते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं क्या, चिल्ड्रन 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 के अंदर आ जाएगी अपनी क्या रो, रो बनाई मैंने किसके लिए, एक पहले कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर एक कॉलम बनाया, कॉलम के अंदर एक रो बनाई ठीक है। अब रो चलेगी अपनी, तो रो क्या करेगी, रो के अंदर क्या आ जाएगा अपना चिल्ड्रन एंड इसके अंदर भी अपनी कुछ चीज आएंगी। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहली चीज एक काम करते हैं, एक बनाते हैं अपन क्लास बनाते हैं जिसका मैं नाम क्या रखूंगा, यहाँ पे ऊपर आने के पहले यहाँ पे जस्ट यहाँ पे अपना लीनियर ग्रेडियंट खत्म हुआ है ना, यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं। इस क्लास का मैं क्या नाम रखूंगा, इस क्लास का मैं नाम रखता हूँ माई स्किल्स ठीक है, या हाँ ठीक है चलो माई स्किल्स ही रख लेते हैं ठीक। तो आई राइट वर्ड, आई राइट माई स्किल्स ठीक है, माई स्किल्स रखा। माई स्किल्स के अंदर क्या आएगी अपनी, दो चीजें आएंगी, नाम एंड टाइप ठीक है। पहली चीज आ गई अपनी क्या, नाम एंड सेकंड चीज आ गई अपनी टाइप। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा, रिटर्न क्या कर रहा हूँ, रो, रो रिटर्न कर रहा हूँ। रो के अंदर क्या आ रहा है अपना चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर क्या आ रहा है अपना टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या डेटा आ रहा है, नाम। नाम इसलिए एंटर किया है क्योंकि जब अपन डिफरेंट डिफरेंट चीजें जैसे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज एंटर करेंगे तो अपन डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं ठीक है। तो टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल के बाद क्या आ जाएगा अपना फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज आ जाएगा अपना कितना 30, 30 के बाद आ जाएगा अपना क्या फॉन्ट वेट, या एक काम करो फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट कितना आ जाएगा, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड एंड यहाँ पे आ जाएगा अपना क्या फोरग्राउंड। फोरग्राउंड में क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपन जो वैल्यू अपन ने लिखी है ना वो भी मैं बताता हूँ, एक काम करो उसको भी छोड़ दो ठीक है, थोड़ी देर से समझाता हूँ ठीक है। तो ये तो क्या हो गया अपना टेक्स्ट वाला हिस्सा हो गया ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद एक और चीज लिखूंगा दैट इज कंटेनर। कंटेनर लिखने के बाद मार्जिन, मार्जिन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा एज इनसेट्स डॉट ऑल, ऑल के बाद क्या कर दूंगा टॉप से दे दूंगा अराउंड 10 की ठीक है। ऑल की जगह फिर यहाँ पे ओनली आएगा ठीक है, ओनली की जगह यहाँ पे आ गई एंड यहाँ पे आएगा चाइल्ड, चाइल्ड में क्या आ जाएगा टेक्स्ट एंड टेक्स्ट में क्या आ जाएगा अपना टाइप ठीक है। इतना सेक्शन हो गया, ये हो गया अपना क्या, ये मैंने बना दिया अपना माई स्किल्स करके एक सेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया ठीक है। माई स्किल्स से क्या होगा, अब जब मुझे जैसे आप दिखाता हूँ जैसे मैं इतनी सारी चीजें यहाँ पे राइट इट डाउन करूंगा ठीक है, कहाँ क्या कॉलम मेरा इस कॉलम मतलब इस चाइल्ड चिल्ड्रन के अंदर ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कॉल आउट कर सकता हूँ, मैं जैसे लिखूंगा माई स्किल्स, माई स्किल्स में नंबर आएगा क्या मेरा 40, कि मैंने क्या कितने प्रोजेक्ट्स बनाए, सो आई हैव मेड 40 प्रोजेक्ट्स, या देखो 40 प्लस प्रोजेक्ट्स ठीक है। एंड यहाँ पे सेम चीज आएगी क्या, यहाँ पे आएगा 11K ठीक है। तो मैंने अभी तक 11K मतलब बेसिकली 11K सब्सक्राइबर्स के यूट्यूब चैनल पर बढ़ा रहा हूँ ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और चीज ऐड अप कर सकते हो, सो आई राइट व्हाट सेशंस लिख लो भाई, कि मैंने अभी तक कितने सेशंस लिए हैं। तो मैंने अभी तक अबाउट 155 समथिंग सेशंस लिए हैं ठीक है। तो ये हो गया अपना कितना सेशंस वाला पार्ट। अब क्या करते हैं, इसको फटाक से करते हैं रीलोड एंड देखते हैं, लिख रहा है ये सेक्शन दिखने लगा है, सही लग रहा है, नहीं लग रहा है ना अभी। तो क्या करें, ये क्या है अपना जस्ट एक कलर है ठीक है। तो इसको को मैं यहीं पर देखिए स्टिक तो नहीं कर सकता क्योंकि फिर दिखेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो रो है सबसे पहली चीज, तो इस रो का क्या करूंगा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट क्या कर दूंगा स्पेस बिटवीन, इससे क्या होगा तीनों में इक्वली स्पेसेस बढ़ जाएंगी ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, जो कॉलम है अपना, कॉलम का क्या करूंगा मैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट ठीक है। तो इससे क्या होगा, अपनी जो स्पेसेस जो बीच में आ रही है ना, या जो स्पेसेस कवर अप हो रही थी वो यहाँ पे देखो पड़ गई ठीक है, ये लगने लगा ऐसा। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ये बनाया था कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पे मैं एक चीज एड अप करूंगा दैट इज फोर हेड। तो फोर हेड क्या है, फोर ग्राउंड, फोर ग्राउंड क्या है कि जो मैंने अभी तुमको वेरिएबल्स बना के दिखाए थे ना ठीक है,
यहाँ पे, सो आई राइट व्हाट, फोरग्राउंड, फोरग्राउंड लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे पेंट, पेंट लिखा, पेंट करना है मतलब मुझे क्या, डॉट डॉट शेडर, तो मैंने शेडर जनरेट किया है जिसकी वैल्यू क्या है, ओवरऑल, ओवरऑल टेक्स्ट, टेक्स्ट जो ग्रेडियंट बनाया ना अभी अपन ने, उसकी वैल्यू यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। तो देखो देखो आ गया ग्रेडियंट, आ गया देखो यहाँ पे ग्रेडियंट आ रहा है मस्त सा। तो ये आ गया अपना क्या, ग्रेडियंट, ठीक है। ऐसे करके अब आगे बढ़ेंगे, एंड यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको और चीजें लगानी है। सबसे पहली चीज तो क्या करूंगा, मैं एक साइज बॉक्स लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए बीच में, ठीक है। तो राइट आफ्टर दिस रो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, साइज बॉक्स, साइज बॉक्स, एंड साइज बॉक्स के अंदर क्या लिखूंगा, हाइट, हाइट इज व्हाट 20, ठीक है। साइज बॉक्स के बाद हाइट हो गई अपनी 20, 20 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक बेसिक सा टेक्स्ट आएगा जिसका नाम अभी जैसा आपने देखा उसका क्या था कि स्पेशलाइज्ड इन, एंड स्पेशलाइज्ड इन के बाद क्या आ जाएगा, स्टाइल, स्टाइल के बाद क्या आ जाएगा अपना टेक्स्ट स्टाइल, जो कि भाई मुझे चेंज करना है यहाँ पे। तो टेक्स्ट स्टाइल के बाद आएगा अपना क्या, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हो गया 22, एंड 22 के बाद यहाँ पर और चीज ऐड करेंगे, दैट इज फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, क्योंकि मुझे बोल्ड चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना इतना सेक्शन, एंड यहाँ पे क्या करूंगा उसके बाद, एक और यहाँ पे ये जो अपना साइज बॉक्स मैंने जनरेट मतलब लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट के जस्ट बाद, ये अपना टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के जस्ट बाद यहाँ पर एक साइज बॉक्स और लिख दिया, एंड इस साइज बॉक्स की जो लेंथ है उसको थोड़ा सा छोटा करो, आई डू व्हाट, आई डू इट 15, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर यार एक और पूरा वो जो सेक्शन ऊपर चल रहा था ना, कॉलम, कॉलम के बाद ये ऐसे करके ये पूरा सेक्शन एक रिपीट करेंगे, ठीक है। तो क्या करा मैंने, उतने सेक्शन को जो अपना है उतने को किया यहाँ पर कॉपी, ठीक है। तो क्या करूंगा उसके बाद, मैं स्पेशलाइजेशन बनाऊंगा, तो क्या करूंगा यहाँ पे लिखता हूँ साइज बॉक्स के जस्ट बाद, यहाँ पर बनाया मैंने क्या, एक कॉलम, कॉलम जिसकी क्या है, कॉलम जिसकी एक्चुअली यहाँ पर इसकी क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट नहीं रखते हैं स्टार्ट से, तो वो गंदा लगेगा, ठीक है। मेन एक्सेस अलाइनमेंट सही है, एंड यहाँ पे चिल्ड्रन में ये भी सेम, बट अभी अपन ने क्या किया है, अगर मैं इसको एक बार रीलोड करके, यहाँ पे एरर आ गया है, सो यहाँ पर एरर आ गया, एक्सपेक्टेड टू फाइंड अ रो, ठीक है, यहाँ पर एक और ब्रैकेट आएगा, कौन सा ब्रैकेट आना है यहाँ पे इसका, ओके एक और आएगा, ठीक है अब सही है। तो देखा मैं बताता हूँ, देखो ये पूरा अपन ने पूरा सेक्शन अपना वापस कॉपी हो गया, बट अपने कॉपी ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इनको हटा के यहाँ पर एक नई चीज बनाऊंगा, जैसा अपन ने यहाँ पे कॉलम्स में देखा था ना, तो उसके लिए मैं एक नई क्लास बनाता हूँ, एंड उस क्लास का नाम मैं क्या रखूंगा, माई स्किल्स की जगह यहाँ पर मैं लिखूंगा माई स्पेशलाइजेशन, माई स्पेशलाइजेशन ऐसे करके मैं बना देता हूँ एक क्लास, ठीक है। उसके अंदर क्या करूंगा मैं, माई स्पेशलाइजेशन क्लास के अंदर यहाँ पे कुछ चीजें आएंगी, सबसे पहली चीज क्या आएगी अपना, एक आएगा आइकन, एंड एक आइकन के बाद यहाँ पे क्या आएगा अपना टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि भाई तुम्हें एक आइकन दिख रहा है एंड तुम्हें उसके बाद वो भी दिखेगा ना, तो वो रिटर्न क्या करेगा, मतलब जब भी तुम इस पर्टिकुलर क्लास को कॉल करोगे या इस फंक्शन को कॉल करोगे, तो वो रिटर्न क्या करेगा, तुम्हें कंटेनर रिटर्न करेगा जिसकी हाइट क्या होगी, सॉरी जिसकी विथ क्या होगी 105, एंड जिसकी हाइट क्या होगी 115, ठीक है, ये हो गया। एंड जिसके चाइल्ड में क्या होगा, एक कार्ड बनाते हैं, कार्ड टाइप का, ठीक है, कार्ड बनाया अपन ने, कार्ड जिसका क्या है, जिसका मार्जिन जो है, ये क्या बोल रहा है, एक कार्ड बनाया जिसका मार्जिन क्या है अपन ने, एज इनसेट डॉट ऑल, एंड ऑल के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, जीरो, आपने को कोई भी मार्जिन नहीं चाहिए। देन कलर, तो भाई तो मैं कलर तो कुछ ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा, कलर डॉट फ्रॉम ए आर जी बी 255, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी अपनी 30, ये जो कलर नहीं आ रही तो तुम अपने हिसाब से देख लेना, जो मुझे पसंद आया था मैंने वो वाला लिख लिया, थोड़ा सा दिख रहा है कहाँ का था, तो ये कलर तुम अपने आप से देख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा अपना शेप, तो शेप कैसा रहेगा अपना, राउंडेड एज रहेगा, राइट, सो राउंडेड, राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर, ये राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर, एंड राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर की बॉर्डर रेडियस आ जाएगी कितनी, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्क्यूलर, ठीक है, सर्क्यूलर, सर्क्यूलर के अंदर 15,
ठीक है, ये हो गई क्या अपनी, हो गई बॉर्डर रेडियस। एंड यहाँ पर आएगा क्या, एक कंटेनर वापस से, मतलब इसके अंदर एक कंटेनर बनाएंगे जिसके अंदर भाई अपना एक यू नो फाइल दिख रही थी ना, वो वाला कंटेनर हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो कंटेनर के अंदर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, चाइल्ड, मतलब कंटेनर का जो सब पार्ट है उसमें क्या होगा अपना एक कॉलम। ठीक है, कंटेनर के अंदर अपन ने कॉलम बनाया, कॉलम क्यों, जिसके चिल्ड्रन में क्या होगा, एक होगा आइकन। आइकन कौन सा आइकन, आइकन जो भी होगा वो हमको ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आइकन, जो कि अपन ने वहां लिखा है, चलिए आई बड़े की जगह छोटा करना पड़ेगा, इसको भी छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना आइकन। एंड यहाँ पे क्या करूंगा, कलर अपने आइकन का क्या कर देते हैं, कलर्स डॉट वाइट। एक्चुअली पहले मैंने सोचा था इसको भी ग्रेडियंट कर देता हूँ, बट देन आई थॉट यार क्यों सिंपल में अपना काम और वीडियो बढ़ा रहे, वीडियो का वो बढ़ा रहे ना, क्योंकि ये सब तो तुम लोग भी कर सकते हो। तो ये हो गया अपनी क्या, यहाँ पर एक साइज बॉक्स डाल दिया जिसकी हाइट हो गई है। अब टेक्स्ट की बारी आई, तो टेक्स्ट के अंदर क्या डेटा आएगा अपना, टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा अपना क्या एक डेटा जिसको हम कहेंगे टेक्स्ट। ठीक है, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे एक स्टाइल, तो स्टाइल के अंदर आएगा अपना टेक्स्ट स्टाइल आ जाएगा अपना फोरग्राउंड के अंदर आएगा अपना वही जो मैंने अभी बनाया ना, ग्रेडियंट पेंट। पेंट के बाद यहाँ पे डॉट शेडर, अपन ने जो अभी ग्रेडियंट बनाया ना वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने बनाया था कहाँ है ग्रेडियंट, हेडर ग्रेडियंट या हाईलाइट ग्रेडियंट, तो जो हाईलाइट ग्रेडियंट बनाया मैंने वो यहाँ पर यूज करा है। एंड साथ में इसका क्या आ जाएगा, फॉन्ट साइज, तो उसको कर दिया मैंने 16। ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ पर ये एक कंटेनर, मतलब एक स्पेशलाइजेशन करके स्किल बना ली अपनी। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, यहाँ पर जो मेरा कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन लिखूंगा कि आई हैव, दिस इज स्पेशलाइजेशन। तो माय स्पेशलाइजेशन के अंदर आइकन आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे अब अपना क्या काम आएगा, फॉन्ट ऑसम, जो अपन ने यूज किया ना अभी, फॉन्ट ऑसम आइकंस, इसको क्या हो गया, फॉन्ट ऑसम आइकन अनडिफाइंड है, अच्छा हमने फॉन्ट ऑसम आइकन को इम्पोर्ट नहीं किया था। ठीक है, तो फॉन्ट ऑसम आइकन हमने यहाँ पर इम्पोर्ट करा, एंड इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एंड्रॉइड, एंड टेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड्रॉइड। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ इसको रन करके, तो देखो दिख रहा है, ये ऐसा सा दिख रहा है। एंड आई थिंक से यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत इसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है ना, तो ये हो गया अपना क्या बोलते हैं एंड्रॉइड वाला। वैसे यहाँ पर ये क्या अपना रो है, राइट, तो एक दो तीन एंड्रॉइड की जगह यहाँ पे क्या डाल दूंगा मैं, एक और लाइट आर्टिस्ट गिटहब डाला, एंड इसमें यहाँ पे आ जाएगा क्या अपना गिटहब की जगह यहाँ पे फिर क्या आएगी अपनी एक पाइथन हो गई, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा एक और पाइथन। ठीक है, ये हो गया अपना इतना सेक्शन। एंड यहाँ पे क्या हुआ, स्पेसेस बिटवीन, ठीक है चलो ये ठीक, यहाँ पे भी सही है, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेसेस बिटवीन कर ली। अब क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पर ना, चेक सेक्शन को रीलोड करो एक बार, ओके, मेरे ख्याल से शायद इसको एक मार्जिन की कमी है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पर ना, इसको सेंटर कर देते हैं, कहाँ गया हमारा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में जाने के बाद यहाँ पर जो हमने कंटेनर वगैरह बनाया ना, ये वाला कंटेनर, ठीक है, तो इस कंटेनर के क्या करूंगा मैं, मेन कंटेनर के अंदर जो अपना कॉलम है, कॉलम के अंदर यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिखूंगा, मेन एक्सेस अलाइनमेंट, तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक है, अब इसको करूंगा क्या, रीलोड, तो देखो ये बन गया सही। ठीक है, दिख रहा है परफेक्ट, सही लग रहा है। अब क्या करूंगा, ऐसे ही सिमिलर से बनाने के बाद इसको तीन बार उतार दूंगा नीचे, कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहली चीज तो यार एक अपने को वो डालना पड़ेगा यहाँ पे, एक स्पेस यू नो साइज बॉक्स डालना पड़ेगा। साइज बॉक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साइज बॉक्स डालने से गैप्स वगैरह आ जाएंगे ना, तो बहुत ईजी और बहुत सही लगेगा। ठीक है, तो साइज बॉक्स लगाऊंगा यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ इसी को करो कॉपी, एंड यहाँ पर कहाँ अपनी रो खत्म हो रही है ना, तो अपनी एक रो खत्म हुई जैसे ही यहाँ पे, तो यहाँ पे डालो साइज बॉक्स, तो ये आई थिंक सो ये हो गई है, एक कॉलम चिल्ड्रन, अच्छा चिल्ड्रन के अंदर आएगी, सॉरी।
है, इसको करो फॉर्मेट, फॉर्मेट किया। अब यहाँ साइज्ड के बाद जस्ट ये जो पूरी रो है ना अपनी, जो अपनी ये रो जहाँ से स्टार्ट हो रही है, देख रही है ये, यहाँ से लेके साइज आइकन तक इतने को करो कॉपी, एंड यहाँ आओ पेस्ट, यहाँ आओ पेस्ट, ठीक है। इससे क्या हुआ आपने कितने 3-9 आइकन यहाँ पे आ गए होंगे, देखो दिख रहा है, सही लग रहा है गिटहब। ये क्या हुआ, ग्रेडियंट की वजह से ऐसा आया, अपने यहाँ पे ग्रेडियंट डाला था ना, ग्रेडियंट की वजह से ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको चेंज कर दो अपने अपने उसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे तुम्हारी स्किल्स हो उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ठीक है। एंड क्या करते हैं, मैं कर देता हूँ यहाँ पे चेंज, काम करो इसको चेंज वेंज कर लेना, ठीक है, जो जिसकी जैसी स्किल्स हो उसके हिसाब से मैं इसको चेंज कर दूंगा फटाफट, एंड इतना सेक्शन अपना रेडी है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा जितना अपन ने कराया अभी तक किया है, ठीक है। जहाँ तक अगर कोई भी डाउट लग रहा हो तो कमेंट करो, बताओ मुझे क्या समझ नहीं आया, ठीक है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था यार, बस अपन ने कॉपी पेस्ट ज़्यादा किया है, कोड अपन ने 10-15 लाइन का लिखा, फिर उसको 3 बार कॉपी किया, 10 का लिखा 3 बार कॉपी किया, तो उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये अभी बाकी है, इसके अराउंड शायद 2 वीडियोज़ और बनेंगे, ठीक है, जिसमें अपन एक में फोटोज या बाकी सेक्शन लगाएंगे, एक में पोर्टफोलियो बनाएंगे प्रोफाइल अपना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट यू कांट मिस अपकमिंग वीडियोस ऑन दिस, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।